चाहिए, ये होता क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती हैं, और इसका किस तरीके से एग्रीमेंट मतलब किस तरीके से इसको रखते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर्स में यही सीखने वाले हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम किस तरीके की वर्ब लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आए तो हमें क्या वर्ब लेनी होती है, ये सब हम लोग इस लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। तो मैं आज आप लोगों को कुछ अच्छे से समझाने वाला हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार जो वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उनको क्या होगा, एक बेल आइकन मिलेगा इस टाइप का। उनको बेल आइकन जब मिलेगा तो उनको क्या करना है, इस पर भी एक बार क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने जैसे दे रखा है आप लोगों को सेंटेंस, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बनता है हमारा सब्जेक्ट से प्लस वर्ब से और प्लस ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सेंटेंस हमारा यही बनता है। आप लोग सभी जानते हैं कि सेंटेंस कब बनता है, जब एक सब्जेक्ट दिया हो या एक वर्ब दी हो या फिर ऑब्जेक्ट दिया हो। सेंटेंस हमारा बिना ऑब्जेक्ट के भी बन जाता है, ये भी सही है। तो सेंटेंस हमारा वर्ब के साथ भी बन जाता है, अगर ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो पूरा सेंटेंस बन जाता है, और सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट के साथ भी बन जाता है, वर्ब के साथ भी बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट सेंटेंस जो है वर्ब के साथ बनता है। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दे रखा है आप लोगों को, जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ही क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। आप सभी जानते हैं ही सी इट दे ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। और ये क्या दे रखा है, वर्ब दे रखी है हमें, क्या दे रखा है, वर्ब दे रखी है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ये मेरा क्या है, ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कम्स आया है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर फॉर्म आई है। और यहाँ पर क्या है, प्लूलर सब्जेक्ट दे रखा है, दे कैसा होता है, प्लूलर होता है। तो यहाँ पर कैसी वर्ब आई है, प्लूलर वर्ब आई है, यानी कम। आप लोग सीखेंगे कि यहाँ पर कम्स क्यों आया और यहाँ पर कम कैसे आया, और हम किस तरीके से नाउन के साथ हम वर्ब में एस लगाएं या नहीं एस लगाएं, किस तरीके से इसको प्लूलर बनाएं, किस तरीके से हम वर्ब को प्लूलर बनाएं। तो ये सब आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे, आप लोग इस लेक्चर्स को पूरा देखें जिससे आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और आपको इसकी पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना होगा, वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद क्या होगा, आप लोग इसको एक बार वीडियो देखने के बाद अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से, अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार और, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा, फिर आप कभी भी भूलने वाले नहीं है। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर एक बार जरूर पढ़ें। तो फर्स्ट हमारा दे रखा है सिंगुलर वर्ब, हम किस तरीके से पहचानते हैं सिंगुलर वर्ब होती कौन कौन सी है। सबसे पहली बात तो ये आती है हमारी, तो हमें सिंगुलर वर्ब कैसी हम पहचानते हैं, इज होती है हमारी सिंगुलर वर्ब, हैज होती है, वॉज होती है, और जब कभी भी वर्ब के साथ एस और ई एस लग जाता है, एस और ई एस लग जाता है, तो हम पहचान जाते हैं ये कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। और प्लूरल वर्ब के बारे में जो लोग जानते हैं वो कैसे जानते हैं, आर हैव है, वर है, और वर्ब के साथ कोई भी वर्ब एस और ई एस नहीं आता। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सिंगुलर वर्ब के साथ कैसा आया, एस और ई एस आया है। प्लूरल वर्ब के साथ हम एस और ई एस का प्रयोग नहीं करते। हम यहाँ पे देखिए प्लेस किया गया है, गोज किया गया है, यहाँ पर कोई भी नहीं लिया गया, ना एस लिया गया ना ई एस लिया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब आनी है। अब हम लोग जानते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता है, नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम नाउन को प्लूलर करें और किस तरीके से हम वर्ब को प्लूलर करें। तो अब इस लेक्चर में हम लोग यही देखेंगे क्या है सॉरी गाइस, नाउन किस तरीके से प्लूलर किया जाता है, जब हम नाउन किसी भी नाउन में एस और ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूलर बन जाता है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा प्ले था, यहां पर प्ले था, ये अपने आप में क्या है, प्लूलर है, वर्ब है। और जब मैं इसको एस और ई एस लगा दूंगा, एस और ई एस लगा दूंगा, तो ये जब नाउन के रूप में यूज होगा तो ये कैसा बन जाएगा, प्लूलर नाउन बन जाएगा। किस तरीके का नाउन बन जाएगा, प्लूलर नाउन बन जाएगा। ठीक है गाइस, अब इसी तरीके से सिंगुलर वर्ब में होता है खेल। वर्ब में क्या होता है, जब हम एस और ई एस लगा लेते हैं तो वो कैसी बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। अब मैंने यहाँ के पे क्या किया था, यहाँ पर वर्ब के साथ एस और ई एस लगा दिया था, यहाँ पर क्या किया था मैंने, प्लेस क्या है हमारी, वर्ब है। जब मैंने वर्ब के साथ एस लगाया था
और गोज के साथ मैंने क्या लगाया था, ईएस लगाया था, तो यहाँ क्या बन गई थी, ये सिंगुलर वर्ब बन गई थी। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि एस और ईएस मैंने लगाया तो ये सिंगुलर वर्ब बन गई। अब ये किसके साथ आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। सिंगुलर वर्ब हमेशा किसके साथ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रखिए, और क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा, और हम लोग आगे आगे भी रूल्स में पढ़ेंगे इस चीज़ों को। तो हमारा फर्स्ट रूल दे रखा है, व्हेन टू नाउन्स, जब कभी भी दो नाउन्स ज्वाइंड होते हैं एंड के द्वारा, जब कभी भी दो नाउन एंड के द्वारा जुड़े होते हैं तो हम कैसी फॉर्म लेते हैं, प्लूरल फॉर्म लेते हैं। प्लूरल फॉर्म किस तरीके से यूज कर सॉरी गाइज, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर क्या है, नाउन के साथ हम जब जब हमें दो नाउन दे रखे होंगे और एंड के द्वारा जुड़े होंगे तो हम कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब आप एग्जांपल से अच्छे से समझ जाएंगे। यहां पर क्या दे रखा है, राम दे रखा है, और यहां क्या दे रखा है, श्याम दे रखा है। ये कैसे हैं, दोनों नाउन है, ठीक है। अब ये नाउन तो है, लेकिन नाउन किस टाइप के हैं, सिंगुलर नाउन है। कैसे हैं, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को यहां पर पता लग रही है, ये कैसे नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तब ये दो सिंगुलर नाउन आपको एंड के द्वारा जुड़े मिल रहे हैं तो हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया प्लूरल वर्ब की पहचान क्या होती है, हमारी आर हैव है, और इस तरीके की वर्ब है। आप लोगों को ये किस तरीके की वर्ब मिलती है, प्लूरल वर्ब्स कहते हैं इनको। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है सीता एंड गीता। अब ये सीता और गीता दो हैं तो दो को जुड़ी हुई हैं, एंड के द्वारा जुड़ी हुई हैं। हमने कैसी वर्ब ले रखी है, प्लूरल वर्ब ले रखी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड में हमें क्या दे रखा है, यदि दो या दो से अधिक नाउन। ये गाइस मैंने हिंदी में इसलिए ले रखा है जिससे आप लोग जब बाद में पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बिल्कुल भी किसी चीज़ में कोई भी डाउट रहे एग्जाम के टाइम पे। अब आप इसको हिंदी में भी पढ़िए, लेकिन मैं ये चाहूँगा आप लोग जब भी रिवीजन करें मेरे नोट्स से तो क्या करें, सिर्फ एग्जाम्पल को पढ़ें। एग्जाम्पल को पढ़ने से क्या होगा, आप लोग उस रूल को खुद ही दोहराएंगे। यहां पर आप लोग पढ़ के निकल जाएंगे यहां से, जहां तक आप लोगों ने पढ़ा। अब आप लोग अगर एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो फिर इस रूल को खुद से ही दोहराएंगे कि ये रूल था क्या। तो एक बार अपने से रूल एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आप लोग रूल को भी पढ़ लीजिए तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको 100% याद हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे अपने जीवन में। तो हम लोग पहले रूल को पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है, यदि दो या दो से अधिक नाउन, क्या दो या दो से अधिक नाउन या फिर एडजेक्टिव्स। गाइस आज भी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है आप लोग। नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड के द्वारा जोड़ा जाए, एंड के द्वारा जोड़ा जाए, वे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं। मतलब जब कोई नाउन नाउन ले रखा है, कोई नाउन ले रखा है, ठीक है। अब इसको हमने एंड के द्वारा जोड़ दिया, एंड के द्वारा जोड़ दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में अलग बात बता रहा है और यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में अलग बात बता रहा है, लेकिन हमने नाउन यहाँ पर एक ही ले रखा है। तो हम कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसी चीज को एग्जाम्पल में समझ लेते हैं जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है, ठीक है, माई फ्रेंड जो मेरा दोस्त है, फिलोसफर एंड गाइड, वो कैसा है, फिलोसफर भी है और गाइड भी है, ठीक है। तो हमने कैसी फॉर्म ले रखी है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ले रखी है, तो ये कैसा है, गलत है। यहाँ पे हमें कैसी फॉर्म लेनी चाहिए, मेरा एक ही फ्रेंड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वही फिलोसफर भी है और वही क्या है, गाइड भी है। तो मुझको कौन सी फॉर्म लेनी पड़ेगी, सिंगुलर फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो हैव की सिंगुलर फॉर्म क्या आएगी, यहाँ पर हैज आएगी। तो मैंने यही लिखा हुआ हैव चेंज टू हैज, ठीक है गाइस। यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए और मैंने अच्छे से समझा दिया जिससे आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाएगा और आप लोग कभी नहीं भूलने वाले। अब इसमें क्या दे रखा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब इसमें क्या है, ये क्या है, एक ईडियम है, ईडियम के साथ साथ भी ईडियम्स तो है ही है, उसके साथ तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है ईडियम्स के साथ। अब इसमें ईडियम्स दे रखी है,
लेकिन इसमें क्या दे रखा है, धीरे और स्थिर काम, मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअस कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होगी, आपकी जीत ही होगी कभी ना कभी। तो इसका मतलब भी यही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब आप धीरे और किसी चीज़ को स्थिर करते जाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। तो अब यहाँ पर कैसी वर्ब ले रखी है मैंने, सिंगुलर वर्ब ले रखी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब को सिंगुलर बनाने में कैसे लगाते हैं, हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं, तो मैंने वही किया हुआ है। यहाँ पे विन क्या थी हमारी, वर्ब थी, वर्ब में मैंने एस लगा दिया तो हमने सिंगुलर का यूज कर लिया। ठीक है, इसमें नोट क्या है, हमें क्या जरूरी बात जाननी है, जब दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जोड़े जाएं तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। अब आप लोग एक चीज और समझ लीजिए, अब इसमें क्या दे रखा है, ये नोट क्या है, इसमें ये दे रखा है, जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, यानी फीलिंग्स वगैरह होती हैं, अब यह पॉवर्टी है, पॉवर्टी को हम कभी काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स को जब हम कभी भी एंड के द्वारा जोड़ें, यहाँ पर भी अनकाउंटेबल नाउन आए और यहाँ पे भी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन आए। अब मुझे इन दोनों को एंड के द्वारा जोड़ना है, ठीक है, ये एंड के द्वारा जोड़ दिया, तो क्या होगा, इसमें अलग अलग का बोध हो तो हम कैसी वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी हमारी, प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे। जैसा हम लोगों ने एग्जाम्पल को देख के अच्छे से समझ लेते हैं, पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, जो गरीबी है और कंजूसी कैसी आती है, जो गरीब होता है वो वही कंजूसी करता है, तो इसमें यही कह दे रखा है, पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, दोनों साथ साथ आती हैं। जब आपके पास गरीबी आ जाएगी तो आप कम खर्च करने लगेंगे, तो कैसी है, ये साथ साथ ही आएगी। तो यहाँ पर क्या ले रखे हैं, पॉवर्टी को भी आप गरीबी को कोई काउंट तो कर नहीं सकते, तो ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिजरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ये दोनों कैसे हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो हमने वर्ब कैसी ले रखी है, प्लूरल वर्ब ले रखी है। अब मैंने आप लोगों को बताया था, जब हमें प्लूरल वर्ब बनानी हो तो हम लोग क्या करते हैं, एस और ई एस को नहीं लगाते हैं, तो मैंने वही यहाँ पे किया हुआ है, एस और ई एस को नहीं लगाया है। अगर मुझे यहाँ पे सिंगुलर वर्ब बनानी होती तो मैं क्या करता, एस और ई एस को लगाता। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है नए स्टूडेंट्स को जो कि नया पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में क्या है, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विद, एलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिक्शन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए, तो वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आती है, मतलब जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आएगी। आप लोगों को ये वर्ड को मेमोराइज करना होगा, अपने दिमाग में ठीक से याद करना होगा, जब आप लोग इसको बार बार पढ़ेंगे। मैंने ये आप लोगों को पीडीएफ क्यों दे रहा हूँ, जिससे आप लोग इन वर्ड्स को बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ने से क्या होगा, आपके दिमाग में ये वर्ड्स बैठ जाएंगे, बैठने के बाद जब कभी भी आपके सामने ये वर्ड्स आपको कभी भी सेंटेंस में दिखेंगे, या फिर कोई भी आप लोगों को सेंटेंस दिया होगा जिसमें आप लोगों को इम्प्रूवमेंट या फिर एग्जाम में आएगा, कभी भी मिलेंगे ये वर्ड, तो आप लोगों के दिमाग में जाना चाहिए कि जब भी इन वर्ड्स, ये वर्ड्स आते हैं तो हमें किस तरीके की वर्ब लेनी होती है, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें वर्ब लेनी पड़ती है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है, अब यहां पर दे रखा है राम एज वेल एज, अभी मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये वर्ड्स हैं एज वेल एज, अब एज वेल एज आ गया, अब मुझे क्या बताना है, एज वेल एज इज हिज पेरेंट्स, यहां पर कैसी वर्ब ले रखी है मैंने, सिंगुलर वर्ब ले रखी है। क्यों ले रखी है, क्योंकि मुझे पता है एज वेल एज के साथ जब कभी भी एज वेल एज सेंटेंस में आ जाता है तो उसके साथ पहले वाले वर्ब, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लिया जाता है। तो मैंने वही काम किया है, पहले वाला सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर, राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहां पर हिज पेरेंट्स होता तो यहां पर प्लूरल वर्ब आ जाती, हिज पेरेंट्स, अब इस तरीके सेंटेंस होता, हिज पेरेंट्स एंड राम, वो सॉरी, एज वेल एज, एज वेल एज, एज राम आर हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसा वर्ब हो जाता, क्योंकि प्लूरल वर्ब हो जाता तो हम प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं इन, ये सेंटेंस जब भी आते हैं ये
वर्ड्स जब भी आते हैं, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं आपको एग्जाम में, एसएससी एग्जाम की, तो ये फेवरेट्स क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखें, जिससे आप लोगों को कभी भी कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द कैप्टन एलोंग विद। अब हमारे एलोंग विद आ गया, एलोंग विद से पहले क्या दे रखा है हमें, कैप्टन दे रखा है। कैप्टन हमारा कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो हम वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। यहां पर हमने क्या ले रखा है, वॉज ले रखा है। द कैप्टन एलोंग विद द सेलर्स, मतलब कैप्टन के साथ साथ जो उसके सेलर्स थे, जो उसके नाव पे बैठे हुए थे, ड्रोन, मतलब मैंने अपनी आप लोगों को इस इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट में एक बार ड्रोन वर्ड कराया है। ड्रोन मतलब क्या होता है, लोगों का डूबना। और ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, थर्ड में क्या दे रखा है, माई फादर। माई फादर कैसे हैं, सिंगुलर हैं, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है, अनलाइक का, अनलाइक वर्ड का यूज हो रहा है। माई अंकल इज मैंने लगाया, इज कैसी है, सिंगुलर वर्ब है, यहां पर सिंगुलर सब नाउन था तो मैंने कैसे क्या किया उसको, सिंगुलर वर्ब यूज की। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो, मतलब कोई भी आर्टिकल जब यहाँ सब्जेक्ट के पहले आ रहा हो, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले यहाँ क्या आ रहा हो, आर्टिकल आ रहा हो। आर्टिकल कौन से होते हैं आप लोगों के, ए, एन या फिर द, ये आर्टिकल्स आ रहे हो, और यहां पर क्या दे रखा हो आप लोगों का, तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति तथा वस्तु, मतलब ये एक ही चीज को दर्शाएंगे, तो हम कैसी वर्ब यूज करेंगे, यहां पर वर्ब जब भी आएगी तो हम कैसी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब इस चीज को एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर क्लियर हो जाए। तो हमारा एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। अब यहां पर क्या दे रखा है, वाइट एंड ब्लैक। अब इससे पहले क्या दे रखा है, ए आर्टिकल का यूज हुआ है, ए आर्टिकल का यूज हुआ है, दोनों में से एक के ही पहले ए का यूज हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब आएगी। वॉज कैसी होती है हमारी, सिंगुलर वर्ब होती है, तो हमने वही ले रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, मतलब जो चर्चिल है वो कैसा है, ऑरेटर है एंड पॉलिटिशियन है ऑफ हिज टाइम। तो यहां पर मैंने कैसी वर्ब ले रखी है, हिज सिंगुलर वर्ब ले रखी है, वॉज भी हमारी सिंगुलर वर्ब है, ये क्या हमने, ये तो प्रोनाउन है, ये हमारी वर्ब ले रखी है, सिंगुलर वर्ब हमने यूज की है, ठीक है। चर्चिल, अब यहाँ पे क्या, चर्चिल ही क्या है, ऑरेटर भी है और एक पॉलिटिशियन भी है, तो हमने कैसी वर्ब यूज की है, सिंगुलर वर्ब को यूज किया है, ठीक है। नोट क्या है आप लोगों का, नोट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति तथा अथवा वस्तु, तो प्लूरल वर्ब लेंगे। मतलब अगर यहां पर, अब यहां पर क्या दे रखा था, ए वाइट, अब यहां पर ए ब्लैक और दे दिया जाता, ए वाइट एंड के बाद भी आर्टिकल का यूज कर देते और फिर सब्जेक्ट का यूज कर देते, तो यहां पर कैसी वर्ब आती, प्लूरल वर्ब आती। प्लूरल वर्ब कैसी बन जाती हमारी, वर्ब बन जाती, ठीक है। अब यहां पर क्या था, चर्चिल, अब यहां पर वॉज आई थी तो यहां पर कैसी बनती, वर्ब बनती। अब यहां पर भी हमें दूसरा नाम कोई ऐड करना पड़ता और ये कैसी वर्ब बन जाती, फिर प्लूरल वर्ब बन जाती। और यहां पर प्रोनाउन कैसा लेते हम, प्लूरल प्रोनाउन लेते। अब इसको एग्जाम्पल में और देख लीजिए, डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है एंड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अलग है इसमें, प्रोड्यूसर अलग है, तो हमने कैसी वर्ब ले रखी है, प्लूरल वर्ब ले रखी है। कैसी वर्ब ले रखी है हमने, प्लूरल वर्ब ले रखी हैव कम, वो आ रहे हैं। द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है और उसके टीचर स्टाफ है, दोनों ही अलग अलग है, क्या कर रहे हैं, प्लेइंग अ क्रिकेट, खेल रहे हैं गेम। नेक्स्ट है रूल नंबर फिफ्थ हमारा, क्या कह रहा है रूल नंबर फिफ्थ, यदि दो सब्जेक्ट नीदर नॉर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नॉन और बट से जोड़ा जाए, तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेते हैं। अब इस चीज को आप लोग एग्जाम्पल में समझ लीजिए अच्छे से। नीदर राम नॉर श्याम, नीदर के बाद सब्जेक्ट आया है, नॉर के बाद हमारा सब्जेक्ट आया है। अब हम कैसी वर्ब लेंगे, नजदीक वाले के अकॉर्डिंग लेंगे, जो भी हमारा बाद वाला होगा, यानी वर्ब के बगल वाला या फिर वर्ब के नजदीक वाले के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। यहां पर श्याम कैसा है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, इधर राम और हिज फ्रेंड हैव,
ये कैसा है, हमने गलत ले रखा है, वो सॉरी सही ले रखा हैव कैसा है हमारा, हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग आए, हिज फ्रेंड कैसे हैं, प्लूलर प्लूलर नाउन है, तो हमने यहाँ पर क्या ले रखा हैव प्लूलर वर्ब ले रखी है। नेक्स्ट है हमारा हैज़ राम और लगा हुआ है, तो हम श्याम के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लेंगे, तो हमने वही लिया हुआ है। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 6 के बारे में। क्या है हमारा रूल नंबर 6, ईदर ऑफ, जब कभी भी सेंटेंस में ईदर ऑफ आए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस चीज़ को देखेंगे अभी आगे चल के। ईदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं, ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें हैं, दोनों में से एक भी नहीं आपको पसंद है, तो आप लोग किसका यूज़ करेंगे, ईदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ईदर का नीदर का यूज़ हो गया। ईदर का यूज़ कैसे करते हैं आप लोग, जब दो चीज़ें हो, दोनों में से एक को चुनना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको चुन लिया आप लोगों ने, तो इसके लिए हम लोग ईदर का यूज़ करते हैं। जब दोनों चीज़ें आप लोगों को दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ईदर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर है एक डिफरेंस, नन का यूज़ कब करेंगे, नन ऑफ आता है हमारा नीदर की जगह, ठीक है, और ईदर की जगह आता है हमारा वन ऑफ, इधर की जगह क्या आता है हमारा वन ऑफ। तो ये कब कब आते हैं आप लोग इसको एग्जाम्पल में अच्छे से समझ लीजिए, मैं आप लोगों को समझाने की पूरी अच्छे से कोशिश करूंगा, तो आप लोग ध्यान से समझिए। अब यहां पर दे रखा है नीदर ऑफ, नीदर ऑफ कब आता है, जब मैंने आप लोगों को बताया, जब हमें दो में से एक को एक भी नहीं, मतलब दोनों में से हमें एक भी पसंद नहीं हो। और नीदर नन ऑफ का यूज हम कब करेंगे, जब हमारा दो से अधिक चीजों में से एक भी नहीं हमें पसंद होगी, तो हम नन ऑफ का यूज करेंगे। यही सेम होता है हमारा ईदर ऑफ में और वन ऑफ में। ईदर ऑफ में क्या होता है, ईदर ऑफ में आप लोग देखिए, ईदर ऑफ में क्या होता है, दो में से एक को हमें चुनना होता है, इन दोनों में से हमें एक को चुनना है। अब वन ऑफ में क्या होगा, दो से अधिक होंगी, यानी तीन चार होंगी, तीनों चारों में से हमें एक को चुनना होगा किसी को, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वन ऑफ द फाइव मेंबर्स इज अ एट फॉल्ट, मतलब इसमें से पांचों में से हमें से एक को चुनना है। यहां पे क्या था, इधर फोर दे रखा था, तो ये सेंटेंस कैसा है हमारा, गलत है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, नन का यूज किया है, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, ठीक है, ये हो गया गाइस। अब हमें क्या पढ़ना है, इसका नोट पढ़ना है। नोट को किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, नोट में क्या दे रखा है हमें, बोथ के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते, ये चीज आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्या है, हम क्यों नहीं यूज करते बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज, क्योंकि जब हमें मालूम हो जाता है हम दोनों में से एक भी की, मतलब बोथ का मतलब क्या होता है, जब हम किसी दो चीजों की बात कर रहे होते हैं तब बोथ का यूज करते हैं। अब नॉट का मतलब हो गया कि दोनों में से एक भी नहीं, तो हमें पता है जब दोनों में से एक भी के नहीं के लिए, जब हमें दोनों में से कोई पसंद नहीं है, दोनों में से हमें कोई भी पसंद नहीं है, तो हम किसका यूज करते हैं, ईथर नीदर का यूज करते हैं। तो हम यहां पर बोथ के साथ एंड नॉट क्यों लेंगे, हम तो नीदर लेंगे, तो यही क्या होता है हमारा ग्रामेटिकल रूल होता है, और हमें इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में सही करना होता है। अब यहां देखिए आप लोग सेंटेंस, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। अब यहां पर बोथ के साथ क्या लिया गया है, एंड लिया गया है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, गलत हो गया। हम किसका यूज करेंगे, नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। अब हमने दो के लिए क्या यूज किया है, नीदर का यूज किया है, यहां पर बोथ के साथ हमने एंड का नॉट का यूज किया था, इसलिए ये गलत हो गया था। तो आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, हमारा बोथ के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 के अंदर क्या है, कुछ नाउन्स फॉर्म से प्लूरल होते हैं, मतलब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि दिखने में तो कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। ये चीज आप लोगों ने काफी बार पढ़ी होगी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन उनके साथ हम वर्ब का कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं हमारे कौन कौन से ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ हम ऐसी चीजें करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें डिसीज की, किसकी बात कर लें, डिसीज, ये क्या है हमारी डिसीज है, मम्स कैसी होती है, डिसीज होती है, रैकेट्स क्या है हमारी, डिसीज होती है, ठीक है। ये क्या है, डिसीज जब भी आएंगी तो हम लोग इनके साथ डिसीज में जब एस लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं मम्स का यूज कर रहे हैं तो हमारा एस मिल रहा है, रैकेट्स का यूज कर रहे हैं हमारा एस मिल रहा है। तो जब कभी भी ये सेंटेंस में आएंगी, ये डिसीज आएंगी, तो आप लोग क्या करेंगे, इनके अकॉर्डिंग वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे हमेशा। तो यही हमारा रूल है। इसमें क्या है, हम गेम्स की जब बात करें, विलियर्ड्स में कैसा आ रहा है, एस आ रहा है,
चेस में भी आप लोगों का एस दिख रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हम दिखने में कैसे हैं, ये प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसी लेंगे हम लोग, सिंगुलर लेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स, अब यहां पर स्टेट्स दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, वेस्ट इंडीज दे रखा है, दिखने में कैसे हैं, ये प्लूरल है, लेकिन हम लोग वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे इनके साथ। द अरेबियन नाइट्स, ये कैसी है, बुक्स हैं, तो बुक्स के बारे में, स्टोरीज के बारे में हम एस दे रखा है, लेकिन हम वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर लेंगे। ये हमारे कुछ कैसे हैं, सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक, इनके साथ भी हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। ये देखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, क्योंकि इनके साथ हमेशा एस लग के आता है, और हम लोग देख के क्या होता है, हमें एग्जाम में प्लूरल वर्ब दे रखी होती है और हमें इसको चेंज करना होता है सिंगुलर वर्ब में। अगर आप लोग इसको नहीं पहचान पाते हैं तो आप लोगों का आंसर गलत हो जाता है। अब एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया, यूज किया गया मैथमेटिक। मैथमेटिक क्या है हमारा, एक मैथमेटिक है सब्जेक्ट, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यहाँ पर कैसी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब पॉलिटिक्स मेरे लिए खेल नहीं है। अब एक चीज हमें याद रखनी है, इसमें नोट है, बहुत जरूरी नोट है, और आपको यूज करना है, और इसी के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तीन वर्ड हैं, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। आप लोगों ने पता किया कि स्टैटिक्स किसके अंदर आता है, सब्जेक्ट के अंदर आता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर आता है, और हमारा पॉलिटिक्स भी किसके अंदर आता है, सब्जेक्ट के अंदर आता है, ठीक है गाइज। तो हम लोगों को क्या करना है इसमें, यहां पर हमें क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में अब हमें जब भी स्टैटिक का मतलब दे रखा होगा, तो हमेशा स्टैटिक सब्जेक्ट से मतलब नहीं होगा। जब कभी भी हमारा स्टैटिक का मतलब डाटा से निकलेगा, जब कभी भी हमारा स्टैटिक का मतलब डाटा से निकलेगा, तो हम कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब हमेशा यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट के रूप में, यानी कैलकुलेशन के रूप में यूज होगा, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स कैसा है, हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन जब भी हमारा पॉलिटिक्स कैसा है, पॉलिटिकल आइडिया के बारे में बात कर रहा होगा, तो हम कैसी फॉर्म यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। अब यहां पर कैसा दे रखा है, स्टैटिक दे रखा है। कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे इस रूल को, वो क्या करेंगे, स्टैटिक को देख के यहां पर सिंगुलर वर्ब लगा के चले आएंगे, और उनका आंसर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और वो अपने नंबर को खो बैठेंगे। तो यहां पर पहले क्वेश्चन को हम लोगों को पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही यहां पर देखना है कि सिंगुलर वर्ब है आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहां पर क्या दे रखा है, स्टैटिक्स हैव दे रखा है, लेकिन हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो डाटा है, यहाँ पर स्टैटिक का क्या मतलब यूज हो रहा है, डाटा, जो हमें डाटा मिला है कहाँ से, मल्टीपल स्कैम्स से, किसके मल्टीपल स्कैम्स से, यानी जो हमारे धोखे हुए हैं किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनका खुलासा हुआ है, तो जो डाटा है हमें वो मिला है। रिवील्ड मतलब क्या होता है, खुलासा होना, तो यहाँ पर कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ स्टैटिक का मतलब किस रूप में यूज हो रहा है, डाटा के मतलब में यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट रूल लिख देते हैं, रूल नंबर 8। यहाँ पर क्या दे रखा है, रूल नंबर 8 में कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा कैसी फॉर्म आती है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कलेक्टिव नाउन जब भी कभी भी दिए रखे होंगे आप लोगों को, तो आप लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन कलेक्टिव नाउन्स का दूसरा ही पार्ट है, वो आप लोग आगे चल के देखेंगे। पहले आप लोग इस चीज़ को समझिए कि हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ कैसी वर्ब का यूज़ करते हैं हम लोग, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब आप लोग एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ सकते हैं। द हर्ड ऑफ काउस, हर्ड क्या होता है आप लोगों को ये जानना जरूरी है, झुंड होता है, ये आपके वन वर्ड में भी आ जाता है कभी कभी, और आप लोगों को ये वर्ड याद भी होना चाहिए। हर्ड का क्या मतलब होता है, झुंड होता है, ये सिर्फ जानवरों के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, ये जानवरों के लिए यूज़ होता है केवल, तो और पीपल्स के लिए, मनुष्य के लिए, ह्यूमन बींग के लिए क्या यूज होता है, क्रू, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। द हर्ड ऑफ काउज, जो गाय का झुंड था, इज ग्रेजिंग, मतलब जो चरने चली गई थी, इन द फील्ड, कहाँ चली गई थी, फील्ड में चरने चली गई थी। अब ये क्या है, हर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन आया है, हमें पता है कलेक्टिव नाउन के साथ हम कैसी फॉर्म लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो हमने वैसे ही यूज किया गया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या दे रखा है, द कमेटी, कमेटी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, कमेटी ने क्या किया है, एकमत अपना डिसीजन लिया हुआ है, तो एकमत डिसीजन लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, कमेटी कैसा है हमारा,
कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है और हमारा कैसा है, एक डिसीजन की बात कर रहा है, तो हम वर्ब कैसी लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब आप लोगों को इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद रखने वाली ये बात है, जब कभी भी कलेक्टिव नाउन्स का एक डिफरेंट ओपिनियन आएगा, मतलब अलग अलग मतभेद हो जाएगा दोनों में, आपस में दो कलेक्टिव नाउन दे रखे हैं उनके अलग अलग मतभेद हो जाएंगे, अब अलग अलग ओपिनियन होगी उनकी, तो हम कैसी वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब इस चीज को एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेते हैं। द ज्यूरी, जो जजों का समूह था, आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब यहां पर मान लीजिए चार पांच जज बैठे हुए हैं, अब ये कुछ और डिसीजन दे रहा है, 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 तो इनका कैसा है, आपस में डिसीजन कैसा है, अलग अलग है, तो हम लोग कैसी वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या कह रहा है, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट, जो ऑडियंस है वो क्या कर रही है, ऑडियंस भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, आप सभी जानते हैं, तो ऑडियंस जो क्या कर रही है, अपनी अपनी सीट को ले रही है, यानी सभी लोग अलग अलग अपनी अपनी सीट को ले रहे हैं, ये वाला बंदा अलग लेगा, ये वाला बंदा अलग अपनी सीट को लेगा, ये बंदा अलग लेगा, ये अलग लेगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल नेक्स्ट आगे इसको पढ़ेंगे। आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को एक बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से क्या होगा, बेल आइकन जब आप लोग क्लिक कर देंगे तो आप लोगों को जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिलते ही आप लोग उस वीडियो को देख पाएंगे और आप लोग अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।